मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने वैक्सीनेशन महाभियान को लेकर बयान दिया है कि प्रदेश ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि 21 लाख लोगों का टारगेट रखा गया था और 24 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 65% लोग वैक्सीनेट हो गए हैं। इसके साथ ही सारंग ने कांग्रेस की कांति पद यात्रा पर निशाना साधा है। साथ ही इंदौर में कांग्रेस की ओर से भगवा झंडा फहराने पर कहा कि भगवा हाथ में लेने से काम नहीं होता, मन मस्तिष्क में भगवा स्थापित करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने महावैक्सीनेशन अभियान किया था। उसमें हमने अपना स्वयं का 21 जून का 17 लाख वैक्सीन लगाने के रिकॉर्ड को तोड़ा है। कल हमारा टारगेट 21 लाख 30 हजार लोगों को वैक्सीन लगाने का था, पर कल हमने 24 लाख 20 हजार 374 लोगों को वैक्सीन लगाया। 24 लाख 20 हजार 374 हितग्राहियों को एक दिन में वैक्सीन लगाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ा रिकॉर्ड है। आज भी हमारा वैक्सीनेशन का दिन है और हमें उम्मीद है कि आज भी हम लगभग 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। देखिए, हाथ में भगवा लेने से काम नहीं चलेगा। ये वो कांग्रेसी हैं जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम तो चाहेंगे हर एक हिंदुस्तानी भगवा ध्वज लेके चले। भगवा हमारा केवल झंडा नहीं है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक है। भगवा हाथ में लेने से काम नहीं चलेगा, भगवा ध्वज को अपने मन और मस्तिष्क में स्थापित करना पड़ेगा।